दौसा जिला कलेक्ट्रेट से एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि यहां अनोखी एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। यहां बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। 108 चिरंजीवी एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से लोगों को फायदा देने के लिए गांव या घटना स्थल तक पहुंच पाएगी। यह एम्बुलेंस इंजेक्शन लगाने, प्राथमिक उपचार के लिए मौके पर पहुंचेगी। इसके इलाज के बाद में मरीज को अस्पताल भेजा जा सकेगा। यह एम्बुलेंस की शुरुआत दौसा जिला कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर की गई है। यहां मंत्री मुरारीलाल मीणा के द्वारा और चिकित्सा विभाग के CMHO डॉक्टर सुभाष बिलोनिया के द्वारा शुरुआत की। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर गांवों के लिए इन्हें रवाना किया गया है। यह एम्बुलेंस की सुविधा मौके पर ही मिल सकेगी। 108 नंबर पर डायल करने के बाद में इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। चिरंजीवी 108 जो एम्बुलेंस है उसी का एक पार्ट है ये बाइक एम्बुलेंस। तो ये क्या है कि जैसे मान लो कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे उसी को वहीं पे स्टाफ जाए, नर्सिंग स्टाफ जाए, तो ये वहीं जाएगी। जैसे कोई अचानक चोट लगे किसी के, अचानक बीमार पड़ गया है, कुछ पेट दर्द वगैरह है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाना है तो ये बाइक वहाँ चली जाएगी और 108 पे कॉल करने के बाद तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी फर्स्ट एड करने के बाद और उसको एक राहत प्रदान करती है। दिन भर अस्पताल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी बीमारी नहीं। जो अस्पताल में एडमिट होने लायक है वो तो अस्पताल में भी एडमिट हो जाएगा, लेकिन जो उसी से पहले वाला जो पार्ट है कि जो उसको तुरंत रिलीफ मिल जाए, चोट वगैरह है, मरहम पट्टी करनी है और इंजेक्शन वगैरह लगानी है, तो उसके लिए बाइक वहाँ पहुँच जाएगी और उसको मरीज को फ़ायदा मिलेगा।